हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत मुझोक सुल्तानी में जबरन बीपीएल मुक्त करने पर कुछ लोगों ने एतराज जताते हुए इसे गलत बताया है। बीपीएल सूची से काटे गए दर्जनों परिवारों ने डीसी राकेश कुमार प्रजापति से मिलकर मुझोक सुल्तानी पंचायत के द्वारा की गई प्रक्रिया को गलत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। डीसी हमीरपुर से मिलने आए मुझोक सुल्तानी पंचायत के उप प्रधान बुद्धि सिंह ने बताया कि खंड विकास अधिकारी द्वारा एकदम से बीपीएल मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है। एकदम से यही बोल दिया कि आईआरडीपी मुक्त किया जाए, लेकिन उसमें से कुछ लोग समझ नहीं पाए और लोगों ने जो है वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बेसहारा है, गरीब हैं, और आईआरडीपी उनके लिए मात्र एक सहारा है। और हमारी विधवाएं भी हैं, जिनके लिए ये अपंग है, जिनके लिए बहुत ही इनके छोटा सा सहारा था, वो भी इन्होंने जो है वो लोगों से छीन लिया। ये बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसा ही ये करेंगे तो ये हम चाहते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है इसका विरोध हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में आईआरडीपी का मुद्दा जो है वो खत्म हो, या तो जो है एक बार फिर से जो है हम चाहते हैं जिन जिन आईआरडीपीज को मुक्त किया गया हो, हम चाहते हैं यहाँ बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं कि इसको जो है एक बार फिर से जो है डिपार्टमेंट जो है रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक निंदनीय घटना जो है कल हुई है। हम इसका कड़े निंदा से विरोध करते हैं, और हमारे साथ जो है पूरे जो कल इजलास में लोग पहुंचे थे, इन्होंने जो लोगों ने कुछ एक लोगों ने वहाँ पे हाथ खड़े थे उसके आधार पे ही वीडियो मैडम ने एकदम से निर्णय ले लिया। ये भी नहीं पूछा कि इसके विरोध में भी कोई है, सिर्फ यही पूछा कि आप मुक्त आईआरडीपी करना चाहते हैं, सिर्फ ये चंद शब्द ही मैडम ने कहे और मैडम जो है एकदम से वहाँ से चले गए। हालांकि और अधिकारी आए थे, हम वो एक अच्छी कार्रवाई वहाँ पे चली हुई थी, और जितने भी लोग कल इजलास में पहुंचे वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी आईआरडीपी से, ये कुछ न्यूट्रल बंदे भी इनके साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अभी तो हमारी जो आईआरडीपी इसमें थे मुझोक सुल्तानी में वो 73 इसमें पात्र थे, लेकिन अभी मैक्सिमम यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ एक न्यूट्रल बंदे भी हैं। वहीं इस मामले पर डीसी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मुझोक सुल्तानी पंचायत के लोगों ने बीपीएल परिवार से नाम काटने की शिकायत की है, जिस पर अब छानबीन करके पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम को छानबीन के आदेश दिए गए हैं। मुझोक सुल्तानी पंचायत से आज कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे, जिसमें खासकर बहुत सारी महिलाएं थी, और उन्होंने एक कंप्लेंट रखी कि इस पंचायत को बीपीएल मुक्त कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। और सभी को सुनने के बाद इस ऑफिस ने ये फैसला लिया है कि जो प्रोसीडिंग थी उसको सस्पेंड किया जाएगा, और दोबारा वहाँ पे ग्राम सभा होगी, और एसडीएम साहब के सुपरविजन में दोबारा ग्राम सभा होगी, और उस वक्त पात्रता के हिसाब से उचित निर्णय लिया जाएगा। जो भी मेरे ध्यान में लाया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक दो पंचायतों का नाम मेरे ध्यान में लाया गया, जैसे पटलांदर का लाया गया और ये सुल्तानी पंचायत का नाम मेरे ध्यान में लाया गया, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है, और ये फर्दर आदेश दिए गए हैं सारे वीडियोस को भी कि ऐसा उत्साह में आकर किसी भी पंचायत को बीपीएल मुक्त करने की कोशिश न की जाए, और ग्राम सभा में और ग्राम पंचायतों को भी ये बात समझाई जाए कि जिनकी पात्रता बनती है उन्हें बीपीएल लिस्ट में रखा जाए। अंततः ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित है, क्योंकि बीपीएल में रखने नहीं रखने का जो पावर है वो पंचायतों के पास है, तो पंचायतों को भी डीपीओ के माध्यम से आदेश जारी किए जाएंगे आज।